ईरान के परमाणु समझौते से जहां अमेरिका एक पक्षी ढंग से निकल गया है और उसने तेहरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं पूरी दुनिया ट्रंप के इस फैसले के विरोध में खड़ी होती दिखाई दे रही है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का विश्व के ज्यादातर देश विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले देश में ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यह सभी देश ईरान के परमाणु समझौते को जारी रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षकों का भी मानना है कि ईरान परमाणु समझौते की सभी शर्तों पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इस बीच भारतीय मीडिया से प्राप्त समाचारों के अनुसार नई दिल्ली सरकार ने भी वाशिंगटन को जोर का झटका दिया है। ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत और ईरान के बीच डॉलर की जगह रुपए और रियाल में व्यापार करने पर बहुत जल्द समझौता हो सकता है। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस समझौते के तहत भारत को ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत रुपए के माध्यम से ईरान को भुगतान करके कच्चा तेल खरीद सकेगा। इसके साथ ही इस समझौते के अंतर्गत ईरान से खरीदे जाने वाले कुल कच्चे तेल की कीमत का आधा पैसा ही भारत को देना होगा, बाकी आधी रकम के बदले ईरान भारतीय उत्पादों का आयात करेगा। याद रहे कि ईरान पर अमेरिका द्वारा एक पक्षीय प्रतिबंधों को लगे एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे ही ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Please subscribe TVN Live.